चलिए आज हम टेबल कवर का डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, पहले गाँठे लगा के हम 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन कर ले रहे हैं। ओके, 7 चेन करके हम इसे राउंड अप कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 3 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। ऐसे 1 2 3, ओके। ऐसा हम पूरा 20 बना ले रहे हैं। ओके, ऐसे राउंड में पूरा हम डबल डबल फंदे लेके हम 20 बना ले रहे हैं। ओके, चारों तरफ से राउंड बनाने के बाद से हम इसे यहाँ से ज्वाइंट कर ले रहे हैं। ओके, अब इसे हम कट कर, राउंड अप करने के बाद से हम वाइट कलर यूज करेंगे। फिर कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। फिर एक चेन कर लेंगे। ओके, फिर एक एक फंदे लेके हमें यहाँ बनाना है। आज जहाँ बनाए हैं वहीं पे सेम जगह पे एक और बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है। ऐसे हम सिंगल क्रोशिया इसमें बना रहे हैं, इधर डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक में दो बनाना है हमें, ठीक है। फिर एक फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में इसमें दो बार फिर, ओके, फिर इसके बगल में 2 टाइम फिर ऐसे, फिर से टू टाइम। ओके, तो 4 5 5 जगह कर लिए हम। उसके बाद से हम 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे हम। फिर एक फंदे लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया इधर, फिर 5 बना लेंगे। ओके, ऐसे एक ही में दो दो, ठीक है। 5 जगह फिर बना लेंगे ऐसे, इधर भी एक में दो दो ऐसे ही बनाएंगे, एक जगह पे दो, ठीक है। एक जगह पे ऐसे दो दो हमें बनाना है। चार हुआ, एक और यहाँ पे 5, ऐसे ही पूरा हमें बना लेना है राउंड में। ओके, लेकिन इसमें ऐसे 5 करके फिर 5 चेन करेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5। फिर फंदे लेंगे, फिर इसके बगल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर से यहाँ दो दो का फिर 5 5 ऐसे बना लेते हैं। ओके, हमें 4 जगह ऐसा होगा। ओके, ऐसे फिर बना ले रहे हैं हम। ओके, चारों तरफ से बना के आके फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे। इसमें हम ऐसे ज्वाइंट करके इसे अब हम कट कर ले रहे हैं। ओके, फिर अब उसमें हम ज्वाइंट करने के लिए फिर से बना रहे हैं। ओके, फिर ऐसे टिक्की बना लिए हैं हम, इसमें बना रहे हैं फिर से हम एक चेन लेके, सेम ऐसे ही बनाना है हमें, एक एक फंदे लेके सिंगल क्रोशे बनाना है इसे भी। 5 जगह पहले बना लेते हैं ऐसे, एक जगह और बना के हम इसे ज्वाइंट करते हैं। ओके, ऐसे बना के उसके बाद से देखिए इसमें 5 5 चेन किए हैं। अब इसमें हमें 1 एंड 2 2 चेन करना है, ठीक है। अब इसे हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक जगह ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर 1 2 2 चेन करेंगे और फिर इसके बगल से फिर 5 बना लेंगे हम। 5 जगह फिर ऐसे बना के हम फिर सेम जैसे बनाए हैं वैसे बना लेंगे हम पूरा पूरा, एक एक फंदे लेके ऐसे बना लेना है हमें। फिर 5 जगह ऐसे करके
उसके बाद से फिर हम जैसे वो फर्स्ट टिक्की में ऐसे बनाए हैं हम, ऐसे ही बनाना है हमें, 1 2 3 4 5 5 टिक चेन करना है, फिर एक फंदे लेके फिर सिंगल क्रोशे इधर, फिर पूरे में हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जैसे इधर बना है पूरा, 3 जगह और ये भी आएगा, ओके। देखिए ऐसा आपको जितना बड़ा चाहिए उतना लंबा सा ये बना लीजिए ऐसे। उसके बाद फिर इधर हम जॉइंट करने को दिखा रहे हैं। साइड जॉइंट करने के लिए देखिए हम 5 जगह ये बना चुके हैं दो दो वाला, ओके। उसके बाद से 1 2 2 चेन करके अब इस साइड जॉइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे हम ऐसे, ओके। उसके बाद 1 2 2 चेन करके फिर ऐसे ही 5 इधर फिर बना ले रहे हैं हम, एक ही जगह पे दो दो बनाना है सिंगल क्रोशिया, ओके। तीन चार एक 5 5 फिर बना के उसके बाद 5 चेन कर लेंगे फिर से, ठीक है। 2 4 1 5 5 जगह बना लिए हम। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे फिर से, ओके। और फिर यहाँ से फिर बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे, फिर 5 चेन करके पूरा इधर तक पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए पूरा हम ऐसे चारों तरफ से 5 5 चेन करके ये बना लिए, बीच बीच में 5 5, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा स्टिकी इसमें जॉइंट करेंगे हम, तो ये 5 बना चुके हैं। उसके बाद 2 चेन कर लिए, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 2 चेन करेंगे फिर से, फिर 5 इधर बना लेते हैं पहले, फिर यहाँ 5 बना के हम फिर 1 2 2 चेन करके अब इसमें जॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 फिर 2 चेन करके फिर इस साइड फिर बनाना चालू कर रहे हैं हम ऐसे, 1 में 2 2 ऐसे ही, फिर 5 बनाएंगे और उसके बाद से फिर 5 चेन वाला ऐसा फिर बना लेंगे इधर, ठीक है। ऐसे उधर बनाएंगे, फिर एक और इधर बनाएंगे, ओके। देखिए ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ही अब पूरा हम बना लेंगे लाइन से, आपको जितना बड़ा चाहिए जितना लंबा चाहिए ऐसे जॉइंट ऐसे होगा, ऐसे बनेगा, ओके। चारों तरफ से ऐसे बना लिए हैं, ओके। अब इसमें बीच में हम ये गैप जो है इस बीच बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे, ओके। तो हम कहीं से भी बनाएंगे, तो इसके लिए पहले हम वाइट कलर से ही बना रहे हैं, आपको चाहिए तो ब्लू कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें वाइट मैच होगा इसलिए हम बना रहे हैं, ओके। 1 2 3 3 चेन करेंगे हम, ठीक है। 3 चेन करके इसे राउंड कर ले रहे हैं हम ऐसे, राउंड करके हम उसके बाद से चेन करेंगे हम इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन करेंगे, ओके। ये है इसमें हमें ये चेन जॉइंट करना है, ओके। तो इसमें पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे उल्टा पकड़ेंगे ऐसे नीचे से, ऐसे मिडिल में हम ऐसे बांध लेते हैं, ओके। फिर 7 चेन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन करेंगे। अब फिर ये राउंड जो किए हैं हम इसमें ऐसे मिडिल में ऐसे जॉइंट कर लेंगे, ओके। ऐसे बांध लेते हैं, उसके बाद से फिर हम फिर यहाँ पर भी चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन और करेंगे हम। अब इस साइड हम फिर बनाएंगे, ठीक है। इस साइड हम जॉइंट कर लिए हैं, अब इस साइड फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे, ओके। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन करेंगे, फिर जो राउंड बनाए हैं इसमें मिडिल में ला के फिर ऐसे इसमें फिर ऐसे राउंड में ऐसे ला के बांध लेंगे फिर से, ओके। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन करेंगे, अब इस साइड बनाएंगे। ये दोनों साइड बना लिए हैं हम, अब यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7
फिर 7 चेन करेंगे, फिर मिडिल में, ओके, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें चारों तरफ से हमें बनाना है। तो अब ये चौथा ऐसे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 कर लेंगे। 7 करने के बाद से हम फिर अब इसमें फिला के हम ज्वाइंट करके कट करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर राउंड में ऐसे लाएंगे, निकाल ले रहे हैं, फिर 1, 2 ऐसे करके हम इसे कट कर ले रहे हैं, ऐसे होगा, ठीक है। ये चारों तरफ से ज्वाइंट हुआ है, ओके। फिर ऐसे ही अब यहाँ भी पूरा जितना होल है ये पूरे में बनाएंगे हम, ठीक है। एक और आपको हम दिखा दे रहे हैं, अगर समझ ना आया हो तो उसके लिए। ये पूरे में ऐसे बनेगा, इधर भी सेम ऐसा ही बनेगा, हम यहाँ पे बनाने को दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही पूरा बना के फिर ये लास्ट में जो है बचा है इसमें भी सेम ऐसे ही, लेकिन ये 3 का बनेगा इधर, ओके। हम फिर देखते हैं, बनाते हैं 1, 2, 3, 3 चेन करके फिर सेम ऐसे ही राउंड कर लेंगे हम, राउंड करने के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चेन करेंगे। अब यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। हम जैसे यहाँ ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, ओके। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 चेन करेंगे। अब फिर ये राउंड किए हैं, इसमें हम बनाएंगे सेम वैसे ही बना रहे हैं जैसे वो बनाए वैसे ही ये भी बन रहा, लेकिन इसमें अब हम 3 जगह ही बनाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 करेंगे। ये जो बनाए हैं यहाँ पे इसे भी मिला के ऐसे ज्वाइंट करना है, इधर से ला के ऐसे बाहर ले लेती, ओके। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 करेंगे हम चेन, फिर 7 चेन करके हम इसे ऐसे फिर यहाँ पे हम ऐसे बांधेंगे, ओके। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 चेन करेंगे। इस साइड का ये है, इसमें ऐसे, ओके। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 चेन करके हम फिर इसमें लाके फिर ज्वाइंट करके इसे कट कर ले रहे हैं, ओके। अब ये पूरा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा ये राउंड में बनेगा, ये साइड में पूरे जितना है ये साइड में 3-3 का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम पूरा बना ले रहे हैं ऐसे, ये हम चारों तरफ से बना लिए हैं ये, ओके। अब ये मेरा तैयार है। आपको चाहिए तो इसमें चेन स्टिच करके लटकन लगा सकते हैं आप, इसमें झालर लगा सकते हैं, ओके। हम इसमें झालर नहीं लगा रहे हैं, हमारा ऐसे ही रहेगा, ओके। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, कोई भी वीडियो डाले तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।